एक साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ बोलेंगे। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे दिया दिल्ली के सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारी बहनों और हमारे मनीष भाई, जो गंगा निकलती है गंगोत्री से, बहुत गौमुख से निकलती है तो बहुत थोड़ी पतली होती है धारा, अगर आप चाहें तो कूद के पार कर सकते हैं। और ये आप पटना में कल्पना करें कि हम कूद के पार कर लें तो कर सकते हो क्या, आप बताओ। वही गंगा वहाँ से निकली तो छोटी सी धारा, हमने कूद के पार की है उसको, एक जंप लगाई, हाँ लॉन्ग जंप, और पार हो गए। तो गंगा को तो हमने पार कर लिया है, पर गंगा वो निकली हुई गंगा थी। ये जो मिशन है इसी तरह से स्टार्ट हुआ था, पतली गंगा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने आरंभ किया 1926। आप सबको मालूम होना चाहिए कि कब से इसका शुभारंभ हुआ, 1926। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपश्चर्या में देखा, गुरु ने उनको कहा कि तुम्हें क्या करना है आने वाले दिनों में, तुम्हारे लिए भविष्य क्या है, तुम क्या करने आए थे, और जो करने आए थे उसको करने के लिए हम तुमको गाइड करने के लिए आए हैं एक सूक्ष्म शरीर के रूप में, जस्ट लाइक ए एक इसको कहते हैं ना कि एक ऐसी छाया पुरुष के रूप में आए, और छाया पुरुष के रूप में आके वो दर्शन दे गए। वहाँ से मिशन चालू हुआ, और वहाँ से एक से चालू हुआ, फिर उसके बाद माता जी आई, दो बने, एक से दो हुए, फिर गुरुदेव के साथ और साथी जुड़ते चले गए, फिर उसके बाद इतना बड़ा मिशन हो गया कि आज लाखों लोग, 15 करोड़ व्यक्ति इस मिशन से जुड़े हुए। तुम लोग जिस संस्थान में हो, जिस संस्थान के अंग बन के आए हो आज, इसमें 15 करोड़ व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो ये मान के चलना कि ये तुम्हारा जो है यहाँ आना, ये एक तुम लोगों का तो है ही सौभाग्य, तुम लोगों के सौभाग्य के साथ साथ तुम लोगों का अपना जो तुम्हारा जीवन क्रम रहा है, उस जीवन क्रम में कुछ नई चीज़ जोड़ने वाली है, उसके लिए तुम यहाँ आए हो। लोगों को अंदाज नहीं है, धर्म और अध्यात्म का अंतर नहीं मालूम है। धर्म क्या है, कर्मकांड भी है, रीति रिवाज भी है, एथिक्स भी है, मेटाफिजिक्स भी है, सब कुछ है, पर अध्यात्म जो है वो आदर्शों को जीवन में उतारने की कला का नाम है। वो आदर्शों को जीवन में उतार के अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना, ये अध्यात्म की परिभाषा है। तो आप लोग जो वहाँ जो मिलते हो, बातचीत करते हो, और एक दूसरे के साथ मिलकर के जो क्वेश्चन आंसर जो करते हो, वो सारा अध्यात्म है। उसमें हम तुमको धर्म से जुड़ा हुआ नहीं बना रहे हैं, हम बता रहे हैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ। धर्म और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जो अध्यात्म है इसकी सही परिभाषा समझना और सिखाना, ये तुम्हारा काम। अध्यात्म क्या है, विज्ञान सम्मत है, वैज्ञानिक है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब हमको यहाँ बुलाया तो उन्होंने कहा, बेटा तुमको वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को स्थापित करना है। हमने आते ही सबसे पहले अच्छा व्यापक अध्ययन किया, और फिर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 25 किताबें लिखी जो गुरुदेव ने लिखवाई हमसे। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो है वो विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर के एक साथ चलेंगे, ऐसा कुछ समन्वित स्वरूप है। विज्ञान को आध्यात्मिक ढंग से समझाना और अध्यात्म को वैज्ञानिक ढंग से समझाना, तब जाके दोनों एक साथ मिलेंगे। एक छोटी सी कहानी है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की, कि एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अंधा और लंगड़ा दोनों एक साथ ऐसी जगह फंस गए जहाँ आग लग गई। अब ना अंधा भाग सकता है, आग से निकल सकता है, उसको मालूम नहीं कहाँ है, महसूस तो कर रहा है आँच को, पर निकले कैसे। और लंगड़े ने कहा कि मैं तो भैया चल भी नहीं सकता, मैं देख तो रहा हूँ आग आ रही है पर मैं चल भी नहीं सकता। तो बोले अपन दोनों एक काम करते हैं, पैक्ट करते हैं, एक अपन दोनों के बीच में समझौता, कि लंगड़े ने कहा कि मैं चल तो नहीं सकता पर मैं बता सकता हूँ कहाँ आग है, और आप चल सकते हैं पर देख नहीं सकते, तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप मुझे, मैं आपके कंधे पे बैठ जाता हूँ। अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ गया और उसने गाइड करना चालू किया, ऐसे चलो, बाएं चलो, दाएं चलो, दाएं बाएं चलो, दाएं चलो।
आज समाज में आग लगी हुई है पूरी तरह से, न जाने कितने प्रकार की आस्था संकट घूम रहे हैं, न जाने कितने प्रकार के। कहीं बाहर निकल जाओ शांतिकुंज से बाहर, तो आपको पता चलेगा कि जीवन वास्तव में परीक्षा की कसौटी पे कसा जा रहा है। बहुत ज़्यादा मारा मारा काटती है, बहुत ज़्यादा दुष्टता है, यौन अत्याचार हो रहे हैं, और राजनीति के नाम पर कितना ज़्यादा हो रहा है आप देखो। ऐसे में हम युवाओं को रही सही दिशा देना चाहते हैं। तुम लोग तैयारी करते हो कंपटीशन की, तुम लोगों के एम्बिशंस हैं कि तुम बनना चाहते हो, डीएम बनोगे कहीं के, एसपी बनोगे कहीं के, तुम टैक्सेशन ऑफिसर बनोगे कहीं भी, तुम्हें अच्छी जॉब लगेगी। तो तुम क्या है, रीढ़ की हड्डी बनोगे इस सरकार की। जो ऑफिसर ऑफिशियल तंत्र जैसा होता है, उस ऑफिशियल तंत्र से ही पहचाना जाता है देश या राज्य। अगर तुम लोग सही ईमानदारी से ढंग से सेलेक्ट हो गए, और इलेक्ट होने के बाद तो सेलेक्ट होने के बाद तुमने आराम से वो शासन किया जिस शासन को गुरुदेव ने बताया सुशासन गवर्नेंस, तो वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए देश की दिशा बदल जाएगी अगर ये होना हो गया तो। इसलिए तुम लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता के को जीवन में उतारते हुए कैसे हम कर सकते हैं, सही बात वास्तव में। बाकी तो हम लेक्चर बहुत बड़े बड़े देते रहते हैं, पर हम तो तुम्हें दिल को छूने वाली बात कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो काम बहुत बड़ा काम है। इस मैंने कहा ना, जैसे आग लगी हुई पूरे देश में, ये आग लगी हुई है संप्रदायवाद की, जाति के नाम पे लड़ाने की, मुस्लिम हिंदू के नाम पे लड़ाने की। आज से 15 साल पहले 20 साल पहले ये बातें नहीं थी, 15-20 साल के अंदर ये आ गई, बड़ी तेज़ी से आ गई, और अब लड़ाया जा रहा है जातिवाद के नाम पर। हमने तो गायत्री परिवार में बिना जातिवाद के नाम पर सबको एक साथ बिठा के भोजन करा दिया। भाई कोई नहीं पूछता है पड़ोस वाले से कि भाई आपकी जाति क्या है, कोई नहीं पूछता कि आप अछूत हैं कि अंत्योदय हैं, कि आप कहाँ के हैं, कौन से हैं। हमने तो सबको भोजन करा दिया। हम तो इसी से प्रभावित होकर आए थे, समता का स्वरूप। गुरुदेव ने कहा था एकता समता ममता शुचिता, ये आने वाले युग का 4 आधार होंगे। हमने तो कभी नहीं सोचा कि ऐसा कभी होगा कि जाति के आधार पर पहचाना जाएगा आदमी को। पूरे देश में जातिवाद की और जो विषमता फैली हुई है उसकी आग लगी हुई है। उस आग से निकालने का काम केवल आप लोगों के जिम्मे है, गायत्री परिवार के जिम्मे, दिया के जिम्मे। दिया हम लोगों ने बनाया था, मैंने और कलाम साहब ने, हम लोगों ने यहाँ उस प्रोग्राम में आए थे, वो हमारे कन्वोकेशन में 2006 में यहाँ चर्चा चलते बात बढ़ी, तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाओ वहाँ। उसके तो एक साल बाद वो रिटायर हो गए थे, तो रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, मैं वहाँ गया, कर 1.5 घंटे चर्चा की, और उसके बाद हमने कहा कि दिया हम डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए युवाओं का संगठन। 2006-2007 और तब से लेकर आज 2018 ये यूथ ग्रुप बनते चले गए, और विदेश में भी और भारत में भी न जाने कितने संगठन बन गए अपने। युवा अभ्युदय जो हम कार्यक्रम बनाया था हमने, उसके पीछे एम्बिशंस क्या हैं हमारे, सारी क्रांतिकारी योजनाएं, नदियों की सफाई, पानी की खेती, हरियाली, हरी चुनर पहना देना नदियों को, ऐसा प्रोग्राम जो सरकार नहीं कर सकती वो प्रोग्राम सारा हमने प्लान किया है। इसलिए आप ये मान करके चलना कि आपका यहाँ आना एक संयोग नहीं है, आपका आना गुरुदेव की योजना है, इसके माध्यम से वो आपसे कुछ काम कराना चाहते हैं। पढ़ो भी, कंपटीशन की तैयारी भी करो, मेहनत भी करो, पर सबसे ज़्यादा तुम जो है ये दिया की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करें। कभी नेगेटिव मत सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। जिस दिन आपका मनोबल गिर जाता है, उस दिन आप जो है परफॉर्मेंस आपकी पुअर हो जाती है। आपकी एक्सीलेंस परफॉर्मेंस सब डिपेंड करती है आपके मनोबल पर। मनोबल हमेशा मजबूत रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बड़ा निराश देखा, उदास देखा, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, हे अर्जुन तो ऐसा उदास क्यों खड़ा है, और कुतस्त्वा कश्मलमिदम,
ये इस विषम समय में तूने ये निर्णय क्या ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा? फिर उसको बोलते हैं क्लैबियम माय संगम पार्थ, लीवता को छोड़। लीवता कहते हैं नपुंसकता को। सबसे बड़ी गाली अगर किसी को देना है तो ये दे सकते हैं, तुम नपुंसक हो, बस। लीवता को छोड़, क्लैबियम माय संगम पार्थ, न एतत्त्वै उपदते, तुझे शोभा नहीं देता, तुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता, तेरे जैसे वीर को शोभा नहीं देता, तुम जैसे वीर युवाओं को शोभा नहीं देता, नपुंसकता। तुम्हारे जैसे वीर को मना करना शोभा नहीं देता कि हम राष्ट्र निर्माण के काम में नहीं लगेंगे। नहीं, हम लगेंगे, आप लोगों को सबको ये कहना, हम लगेंगे, पर कैसे लगेंगे इसकी दिशा हम देंगे आपको, उस दिशा में चलो, उस दिशा के साथ चलो, अपनी तैयारी भी करो, अपनी मेहनत भी करो, और मेहनत करने के साथ साथ सारे राष्ट्र निर्माण के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब प्रोजेक्ट्स को तुम्हें अप्लाई करो, ठीक है ना। क्लैबियम महासंगम प्रार्थना नैतत्व पद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, परंतप हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तो खड़ा हो जा। ये गीता के दो श्लोक हैं दूसरे अध्याय के, जो बताते हैं कि भगवान कृष्ण लताड़ कितनी बड़ी बुरी लगाते हैं, ऐसी बुरी तरह से लगाते हैं कि वो अल्टीमेटली अर्जुन जो है वो पूरी तरह से अंदर से बाहर तक हिल जाता है। फिर वो कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आप मुझे बताइए क्या करना है। इसलिए आप लोगों को सबको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप सब एक काम करना, गीता पढ़ना चालू कर देना आज के बाद। गीता को संस्कृत में है इसलिए ऐसा कमज़ोर मन का मत करना कि नहीं पढ़ सकते। एक श्लोक पढ़ो ना, एक श्लोक का अर्थ पढ़ो, शब्दार्थ बताने वाली किताब भी मिलती है, शब्दार्थ फिर भावार्थ समझो। तुमको कोई भी दिक्कत आए हम अपने तुमको वो देंगे, एक अलग गीता वाली वेबसाइट अलग बना देंगे, एक उस पर तुमको क्वेश्चन पूछना हम तुमको क्वेश्चन आंसर देंगे। हमारी क्लासेस सुनो तुम यूट्यूब पे गीता वाली, उससे तुमको आइडिया होगा कि गीता से जीवन का पूरा पूरा मार्गदर्शन हो सकता है। अगर तुम उसको जीवन जीना चाहते हो गीता के माध्यम से जीरो। आत्मय हो आत्मनो बंधो आत्मय रिपो आत्मनो, भगवान ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है, छठे अध्याय में। आत्मय हो आत्मनो बंधो आत्मय रिपो आत्मनो, मन का मन ही शत्रु है। जब आपका शत्रु मन अंदर से बोलने लगता है कि मत कर मत कर, तेरे बस की बात नहीं है, तू कहाँ फंस गया, तू मत कर, तो फिर उसके बाद आपका मनोबल गिर जाता है। मनोबल की बहुत बड़ी शक्ति है, मनोबल से आपके चेहरे, मनोबल चेहरे पे दिखाई पड़ता है, चमकता है, चमकता है। आत्मे आत्मनो बंधु आत्मरूप आत्मनो श्लोक का जो मूल मर्म है वो ये है कि आप अपने मनोबल के माध्यम से सब कुछ जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं मनोबल के सहारे। और यही बात विवेकानंद ने कही थी, विवेकानंद ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि किसी मंदिर में विश्वास करना, किसी मूर्ति में विश्वास करना ये ईश्वर विश्वास है। ईश्वर विश्वास आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास। मैं समझता हूँ इनसे बड़ा क्रांतिकारी, विवेकानंद से बड़ा क्रांतिकारी आपको पढ़ना है तो एक गीता पढ़ो और एक विवेकानंद को पढ़ो, बस ये दो आपके जीवन के उद्धारक हैं, ये आपके जीवन के सबसे बड़े वो हैं मास टीचिंग करने वाले, जो आपको पॉजिटिव टीचिंग करेंगे। मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर एक सूत्र दिया है, रे मन मेरे तू मेरा मित्र बन, रे मन मेरे हे मेरे मन तू मेरा मित्र बन। मन हमारा शत्रु भी बन जाता है कभी, शत्रु बन के हमको परेशान करता है, ये हमारा मित्र ही है, ये हमारा शत्रु ही है मन, जो कि हमको कहता है कि तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम नहीं कर सकते। अरे PCS की तैयारी और IAS की तैयारी मुश्किल है, बेकार है, क्यों कर रहे हो? देखो पिछली बार तो तुम रह गए थे, अगली बार भी रह जाओगे, ये तुम्हारा मन बोल रहा है, दुष्ट मन। इस दुष्ट मन से तुम दूर हटो और तुम अपने मित्र को, मन को मित्र बनाओ और कहो हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। जब तुम अपने मित्र मन को जब समझाओगे तो वास्तव में सही अर्थों में आपको लगने लगेगा कि ये जो बात कह रहा है हमारा मित्र मन, ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, इसी को हम साथ रखेंगे। ये एक कुछ कुछ सूत्र मैंने निकाले हैं गीता में से, तो उसमें एक सूत्र ये है, एक सूत्र है जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि हम अपने अंदर से जितनी नेगेटिविटी है इनको निकालें, नेगेटिविटी आउट पॉजिटिविटी इन, पॉजिटिविटी को अंदर आने दें, नेगेटिविटी को बाहर निकालें। ये एक सूत्र है जिसको आप जीवन में उतार लीजिए,
जब भी आए नेगेटिविटी तो आप ये मान करके चलिए कि ये अनावश्यक रूप से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, इसको हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिविटी चाहिए। पॉजिटिविटी आपको पे करेगी, अल्टीमेटली पे करेगी। एक दो दिन कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, पर आपको बहुत ज़्यादा उसका अनुदान मिलेगा यदि आपने पॉजिटिविटी को जीवन में उतारेंगे। और तीसरा सूत्र है जो आप जीवन में उतार सकते हैं मित्रों, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होता है धीरे धीरे, जब पैदा होता है बड़ा होता है तो बड़ा होता 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 वो अपना दिन याद करता बचपन के, कि हम बचपन में छोटे थे, माता पिता का प्यार मिलता था, फिर आज हम बड़े हो गए थोड़े से, अब हम आज माता पिता को छोड़ करके पटना से या जहाँ से भी बिहार से कहीं से हम यहाँ आकर के बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और अब हम यहाँ से सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन देंगे। तुम लोग आए हो तो तुम अपने बचपन को याद करो कि बचपन से तुम्हारे माता पिता ने तुमको कितना प्यार दिया, कितने गुण दिए, कितने तुम्हें क्वालिटीज़ दी, और उसके माध्यम से तुम्हारा बचपन चालू हुआ। बी बॉर्न अगेन, फिर से चालू हो जाओ, फिर से बचपन फिर से पैदा हो जाओ। फॉरगेट ऑल दी बायसेस, फॉरगेट ऑल दी प्रेजुडिसेस, अपने जितने भी हैं उन सबको भूल जाओ, और भूल करके नए सिरे से पैदा हो जाओ, नए सिरे से पैदा हो जाओ, नए सिरे से पैदा होकर के नया जीवन जीना चालू करो। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये तो शायद संभव नहीं हो पाएगा तो ये बोलो कि नहीं नहीं गड़बड़ है, ये गलत है, गलती आ गई, अब इस गलती को हम नहीं आन देंगे, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। ये तीन चार सूत्र ऐसे हैं जो मैंने यहाँ बच्चों को दिए हैं, बच्चों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी गए थे सब लोग, आज जाएंगे तो आज यूनिवर्सिटी जाओगे तो देखना, बच्चों से मिलना, बच्चों के जीवन में कैसे बदलाव आया, कैसी सोच बदली उनकी, ये भी देखना। तो अब तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुमको मनीष जैसा एक मेंटर मिला, गाइड मिला, और मनीष तुम्हारे हर बात को समझता है। मनीष के माध्यम से तुम लोग अपने जीवन की सब समस्याओं को हल करते हो। अब आने वाले दिनों में तुमको बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। 2018 से 2026 तक का समय, 8 साल का समय, बहुत खास है, ए वेरी स्पेशल टाइम, क्योंकि इस पीरियड में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है पूरे देश में, पूरे भारतीय संस्कृति के माध्यम से पूरा नवीनीकरण होने जा रहा है पूरे देश का, और हम उसमें गायत्री परिवार उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए आप लोगों को अपने मनोबल को बनाए रखकर, जब हम मनोबल थोड़ा सा भी खो देते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है, मनोबल को खोने नहीं देना चाहिए, कोशिश करना जब भी मनोबल तुम्हारा गड़बड़ाए, नीचे जाए, तुम अपने मनोबल को मजबूत करो, और मनोबल ही आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है, इस बात को ध्यान में रखना। इन सब चीज़ों के माध्यम से तुम कोशिश करना कि हम किस तरह से अपने जीवन को संवार सकते हैं। मैं बहुत मुश्किलों में, मैंने ये नहीं कहता कि तुम जैसी मुश्किलों में से निकला, मैं तो जज का लड़का था, तो मुझे सारी सुविधाएं मिली, घर मिला, पढ़ाई के लिए अच्छे वातावरण मिला, सब कुछ मिला, पर जब मैं 16 साल की उम्र में मैंने पास किया, मैंने बीएससी एग्जामिनेशन, बीएससी पार्ट वन हमारे यहाँ उसके बराबर माना जाता था, पीएमटी के बराबर, क्योंकि उसमें पीएमटी चालू नहीं हुआ था, पीएमटी चालू होने वाला था तो उन्होंने उसके इक्विवेलेंट बना दिया कि बीएससी पार्ट वन और पीएमटी फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। तो मैं मध्य प्रदेश में, मैंने जब पास किया तो मैंने टॉप किया मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, और टॉप करने के बाद जब मैं पहुंचा वहां पर, और मेरा आत्मविश्वास इस कदर था कि किसी और एक लड़की, हमारे वाइस चांसलर कोई थे, उनकी लड़की आ गई, बोले टॉप तो मैंने किया है, तो मैंने कहा मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा भाई, मेरा तो ऑलरेडी मेरे उसमें डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, आई पास विथ 91% मार्क्स। तो उसने अपने नंबर जो है ना अपने पिताजी से कह के बढ़वा लिए थोड़े से, मैंने हाईकोर्ट में केस कर दिया, मेरे पिताजी जज थे, हाईकोर्ट में केस कर दिया, और मैं लड़ा उनसे, दो महीने में पता चल गया कि ये लड़की के पिताजी ने गड़बड़ की है, तो उन्होंने फिर उनको पनिश भी किया, कुलपति पद से हटा दिया उनको, और उस लड़की को भी नीचे आना पड़ा, एडमिशन नहीं रुका उसका, पर रोग नीचे आना पड़ा। और उसके बाद मैंने वहाँ से अच्छा, वहाँ लोग मुझे पूछते थे, जगह जगह से पूछने आते थे, रैगिंग होती थी तो जो सीनियर होते थे, हमने सुना प्रणव पंड्या ने कोर्ट में केस किया था, कहाँ है प्रणव पंड्या, तो प्रणव पंड्या को मिलते हुए एक चांटा पड़ता था यहाँ पे, क्योंकि उनकी रैगिंग लेने का यही तरीका था, भाई ये यहाँ दादागिरी नहीं करने लगे,
यहाँ ना करने लगे मेडिकल कॉलेज में, ये उनका तरीका था। मैंने उस दादागिरी से भी जूझा, उन लोगों के बीच में भी रहा मैं, और मैं 2 महीने के अंदर ही मेडिकल हॉस्टल जो सरकारी था उसमें आ गया, और आने के बाद फिर मैंने उन लोगों के साथ दोस्ती कर ली, सब सीनियर्स के साथ दोस्ती कर ली, पढ़ा उनके बीच में से पढ़ के MBBS किया, MD किया, पूरी विद्यार्थी जीवन की सारी गड़बड़ियाँ जितनी थी उन सबको देखा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू किए जो समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जो गुरुदेव ने सिखाए थे वो चालू किए। और यहाँ आए जब MBBS MD करके, तो हम विदेश जाने वाले थे, तैयारी हो गई थी पूरी पूरी, पर गुरुदेव ने मना कर दिया। गुरुदेव ने कहा हम तुमसे काम कराएंगे, बस गुरुदेव ने कहा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को स्थापित करना है, तुम्हें यहाँ काम करना है। वही काम आज करते करते 40 साल हो गए, और 40 साल से हम स्थापित हैं। अब उत्तराधिकारी तुम लोग, तुम लोगों को आगे बढ़ाना है इस काम को, तुम लोग अगर पढ़ोगे उन किताबों को कि विज्ञान और अध्यात्म को कैसे मिलाया जाए और ये देखा जाए, तो तुम देखना परिवर्तन तुमको नज़र आने लगेगा, चारों तरफ परिवर्तन नज़र आने लगेगा। क्योंकि विज्ञान जो है वो आधार है, एक बैसाखी है जिस पर अध्यात्म अगर टिकेगा ना तो फिर बहुत मजबूत होगा। अगर देखते चले जाएंगे तो हम देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मित्रों, तुम लोग बहुत अलग अलग तबकों से आए हो, अलग अलग वर्गों से आए हो सकता है अलग अलग जातियों से आए हो। मैं संबोधित नहीं कर रहा हूँ जातियों को, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे वर्किंग स्टैंडर्ड, तुम्हारे जीवन के स्तर अलग अलग होंगे, पर अब यहाँ तुम आए हो तो यहाँ तुम सब एक हो, सब मिलके एक। वहाँ भी तुम मिलते हो जब वहाँ दिल्ली में, तुम्हारे जीवन स्तर तुम सबके एक जैसे हैं, तुम लोग सब एक साथ मिलते हो, किताबें भी तुम्हारी सबकी एक ही हैं, उन्हीं से उसी से तुम तैयारी करते हो। कंप्यूटर पे बैठते हो तो कंप्यूटर भेद नहीं करता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये भूमिहार है, कि क्या है, कंप्यूटर भेद नहीं करता। कंप्यूटर तो ये देखता है कि आप कौन है, बस आपको आता है कि नहीं ऑपरेट करना। आप पूरी मन लगा के पढ़ाई करना और देखना, आपको सफलता मिलेगी, सुनिश्चित रूप से मिलेगी। और मैं इसके लिए, हम और जीजी दोनों, आप सबको, जीजी अपना प्यार देती हैं और जीजी सबके लिए अपनी प्रार्थना करती हैं, हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे कि आप में से जितने हैं यहाँ बैठे हैं सबके सब सेलेक्ट हो जाएं पूरे यहाँ। ठीक, खुश करने के लिए नहीं, केवल खुश करने के लिए और तालियां बटोरने के लिए नहीं बजाया बोला, ये बोला है इसलिए कि आप लोगों ने सही स्थान को छुआ है, सही स्थान को स्पर्श किया है। ये शांतिकुंज जो है 21वीं सदी की गंगोत्री है, और 21वीं सदी किसकी है, उनकी है जो नेतृत्व संभालेंगे अगले दिनों। तुम लोग नेतृत्व संभालोगे, हमें नहीं करना काम, हमारा काम चाणक्य का काम है, तुम्हारा काम दूसरा काम है, तुम्हारा काम है राष्ट्र को संभालना, राष्ट्र को समर्थ नेतृत्व देना, ये बहुत बड़ा काम है। राष्ट्र को संभालना, अपने घर को संभालना, और बेटा कम से कम तुम लोग जब ऑफिसर बनो तो तुम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त मत होना, तुम लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करना और देखना कैसे लड़ा जाता है भ्रष्टाचार से, कितने कितने सफल लोग हुए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ाई की है, तुम भी उसी गिनती में तुम गिने जाना। देखते देखते परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, माहौल बदलेगा। मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, 21st सेंचुरी में माहौल बदलेगा, और देखते देखते वो लोग दिखाई देंगे जो वास्तव में, जिन्होंने, इनकी गिनती हीरे माणिक में होती है, जो जीते जागते जो कलाकार हैं ऐसे, जिन्होंने अपने आप को गढ़ा है, वैसे लोगों के अंदर तुम्हारी गिनती होगी। तुम्हारा उद्देश्य बहुत अच्छा है, तो जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हो उस उद्देश्य के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमको जो मदद चाहिए, जिस तरह की मदद चाहिए वह हमसे मांगो, हम तुम्हें मदद करेंगे। और तुम्हारे लिए पुस्तकों से लेके और CD से लेके, USB से लेके, सब तरह की चीज़ें, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने से लेके, विदेश का भी अगर कोई मटेरियल चाहिए वो भी हम तुमको मंगा के दे सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी पहुंच बहुत है, अप्रोचेस हमारी बहुत हैं, वो हम तुमको दे सकते हैं। तो तुम अपना काम करो, तुम अपनी पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के साथ साथ इन पर विश्वास रखना, ये महापुरुष अवतारी चेतना थे, और इन्होंने जो खड़ा किया है माहौल, 5वीं तक पास हैं, पर इन्होंने सारी किताबें लिखी, 3200 किताबें अपनी सारी की सारी अपनी वेबसाइट पे आ गई हैं, 3200 किताबें जो उन्होंने लिखी हैं पूरी पूरी। इतना काम करना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, और उन्होंने जो किया है उसको तुम भी पढ़ने कोशिश करना, तुम भी स्वाध्याय करना, जो उनका साहित्य है उसको तुम पढ़ने कोशिश करना, तुम्हारा जीवन बदलता हुआ तुमको नज़र आएगा।
अपने जीवन में ईमानदारी को स्थान देना, ये चार चीज़ें गुरुदेव ने बताई हैं, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी। अगर समझदारी आएगी तो जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी आएगी तो ईमानदारी आएगी, वो ईमानदारी आएगी तो बहादुरी से काम करने के लिए आगे रास्ता खुलेगा। ठीक है, खूब खूब मंगल कामनाएं, तुम्हारा यहाँ का स्टे तुम्हारा खूब मंगलमय हो। बच्चे लोगों, देखो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बात बताई, पर मेरा एक बात जानने का मन है। पहले बताओ, तुम लोगों रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई? ठहरने की व्यवस्था सबकी ठीक से हो गई? थकान कम हुई कि नहीं हुई? ऐसा तो नहीं तुम लोग शहरों के लोग देर से सोने वाले, देर तक सोने वाले, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ सुबह जब उठने को हुआ हो तो नींद की झोंके आए हो, ऐसी परेशानी तो नहीं हुई बेटा? भोजन भोजन समय पे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं कि भोजनालय में पहुँचे केवल दाल चावल मिले, रोटी गायब हो गई हो? कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? देखो, एक घर तुम्हारा वो जहाँ तुमने जन्म लिया, और एक घर कहाँ, ये शांतिकुंज तुम्हारा अपना घर है, ये मान के चलना। और अपना घर अपने लोगों को बहुत प्यारा होता है। जो झोंपड़ी का रहने वाला होता है उसको झोंपड़ी प्यारी होती है, जो बड़े घर का होता है उसको बड़ा घर पसंद आता है। लेकिन ये घर एक ऐसा है जहाँ हमारे सब अपने लोग, कोई किसी से ये नहीं पूछता ये पास में बैठा कौन है। जो भी शांतिकुंज आया है, जिस किसी ने भी यह साथ किया है, केवल एक ही समझ में आता है कि गायत्री परिवार का हमारा अपना व्यक्ति है। बेटा, आज तुम लोगों को यहाँ बैठा देखकर मन में केवल एक ही भाव उठ रहे हैं, और वो ये उठ रहे हैं, भारत के भविष्य के भावी निर्माता ये सामने हमारे बैठे हैं, वो युवा भारत हमारे सामने बैठा है, जिसके कंधों पर आगे आने भविष्य का बोझ अभी से है। युवा कौन? युवा वो नहीं जो उम्र पार कर चुके हैं 16 की 17 की 18 की, या वो लोग जो इससे भी आगे हैं। युवा वो जिनके अंदर उत्साह है, उमंग है, और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है। बेटा, यहाँ आए हो, तुम्हारे अंदर प्रतिभाएं सबके अंदर है, ये बात नहीं प्रतिभाएं नहीं है, प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। पर बेटा, एक कोशिश ये करना कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की, क्या सीखा, ये वातावरण के लिहाज से ज़रूरी तो है। जब हमको व्यवसाय करना है या कोई भी अपनी आजीविका पानी है, उसके लिए वर्तमान शैक्षणिक योग्यता ज़रूरी है, लेकिन भविष्य के निर्माण के हिसाब से हम क्या बने, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो भी कुछ वो करो, उसमें कोशिश करना कि हमारा अपना उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या होना चाहिए। जो लक्ष्य लेके चलोगे उसमें आगे बढ़ जाओगे, पर अपने जीवन की दिशा धारा के लिए सबसे पहले आदमी को साधना करनी पड़ती है। साधना कैसी? साधना वो नहीं कि जिसको माला कह देते, साधना वो जिसमें हर पल अपने आप को साधना पड़ता है, अपने आप की बुराइयों से, अपने आप की कमजोरियों से लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि धरती पर आने वाला कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कोई परेशानी ना हो। बेटा, हर एक के अंदर परेशानियाँ होती हैं, लेकिन रात और दिन जो अपने हिसाब से लड़ लेता है वो सब कुछ पा जाता है। गुरुदेव ने तीन चरण बताए, एक उपासना, एक साधना, एक आराधना। उपासना क्या? शाब्दिक अर्थों में कहते हैं पास बैठने को, पर वास्तव में उपासना क्या है? हम जिस किसी को भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं या जिस किसी को भी मानते हैं, उसके पास बैठें, उसके अच्छे गुणों को अपने अंदर ग्रहण करें, इसका नाम है उपासना। एसी के पास बैठते हो ठंडक मिलती है, गर्मी के पास बैठते हो गर्मी मिलती है, तो हम अपने भगवान के पास बैठ के उसके गुण न पा सकें तो हमारा पास बैठना निरर्थक है। साधना वो हम अपने आप को कैसे बदलने का प्रयास करें, आज हम जिस सीढ़ी पे हैं उससे और आगे की सीढ़ी हम कैसे चढ़ सकें। और आराधना जो है, हमने समाज से बहुत कुछ पाया है, जब से पैदा हुए हैं हमारे ऊपर समाज का ऋण चढ़ा हुआ है, चाहे हम खेले हैं जमीन पर तो धरती का ऋण है, माता पिता के साथ है तो माता पिता का ऋण है, समाज में रहे हमको कपड़ा मिला तो जुलाहे के ऋणी हैं, हम हर बात के ऋणी हैं, तो क्या हम लेते ही रहेंगे? उस समाज को देने का हमारा कोई मंतव्य नहीं होना चाहिए? उस समाज को देने का नाम, इस समाज के लिए कुछ कर गुजरने का नाम, जिसकी मुट्ठी जैसी वैसा ही काम, इसका नाम है आराधना।
आराधना का सबसे बढ़िया उदाहरण बेटा तुमने वो दूंगी। एक नदी के किनारे एक पत्थर था। पत्थर के मन में ये आया कि मेरा मन करता है, लोग नदी में नहाते हैं, फिसलते हैं इनके पैर, मैं थोड़ा इनके पैरों का सहारा बन जाऊं ताकि लोग गिरे नहीं, फिसले नहीं। पत्थर लुढ़कता पुढ़कता चला गया और नदी में जाके गिर गया। वहाँ एक नारियल का पेड़ भी था। नारियल ऊंचा था, ऊपर से कहने लगा, अरे पत्थर तुझे क्या हुआ है, नदी में जाके क्यों गिर गया? बोले मेरा मन ये था कि जो भी इस रास्ते राहगीर आए हैं, जो भी संत आए हैं, उनके कदम मैं संभाल सकूं, कहीं वो गिर न जाए। कहने लगा नारियल तो पागल हो गया क्या? ये अपमान भरी जिंदगी, तिरस्कार भरी जिंदगी, लोग आते हैं पैरों तले रौन जाते हैं, लहरें आती हैं टकराती हैं, तेरा कभी ये हिस्सा टूटता है, कभी वो हिस्सा टूटता है, तो कब तक टकराएगा? नारियल एक ही बात, पत्थर एक ही बात कहता रहा, आपके भाव आपको मुबारक, आप ऊंचाई पर हैं ठीक है आपको मुबारक, लेकिन मैं अपने मन के भाव क्या करूं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या हो गया, लेकिन मेरे मन में भाव है। बेटा दोनों की कसमकश चलती रही, वो पत्थर लुढ़कता रहा, लहरें टकराती रही, कभी उसका एक हिस्सा तोड़ती रही, कभी दूसरा हिस्सा तोड़ती रही, पर पत्थर जहाँ था वहीं बना रहा। एक दिन आंधी आई, आंधी में नारियल टपाटप टपक गए। वहाँ से कुछ राहगीर निकले, राहगीरों ने सोचा ये नारियल है इनका क्या किया जाए। एक के मन में आया है नारियल शुभ चीज़ है, मंदिर में चढ़ा दिया जाए। लेके गए मंदिर में, नारियल रख दिया गया और नारियल ने जब सिर उठा के ऊपर देखा कि कौन देव है, तो देखा वही पत्थर जिसको रात और दिन वो ये कहता रहा, अपमान भरी जिंदगी, तिरस्कार भरी जिंदगी, पैरों तले रोने वाली जिंदगी तुम जीते हो, आज वही पत्थर शालिग्राम बना बैठा है। बेटा ये भाव लोक मंगल के, लोक हित के जब हमारे अंदर आ जाएंगे, जब दूसरों के लिए जीने का, कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर आ जाएगा, तो हमारे अंदर का पत्थर भी शालिग्राम बन जाएगा। तो बेटा सबसे बड़ी कोशिश ये करना, हम यहाँ आए हैं एक जनरेटर के पास में आए हैं, एक प्रकाश स्तंभ के पास में आए हैं, हम वो प्रकाश लेके जाएं, अपनी ज़िंदगी तो दुनिया जी लेती है, लेकिन वो लोग होते हैं जो समाज के लिए जिया करते हैं। जवानी उम्र नहीं देखा करती, राम छोटी उम्र में ही वनवास चले गए थे, जब उनको ये मालूम पड़ा था कि माँ सीता जी का अपहरण हुआ है, नारी जाति पर होने वाले अपमान को देख कर वो उठ खड़े हुए थे। क्या कह के, निश्चर हीर करू मही भुज उठाए पणकीन, रामचंद्र जी निश्चय कर खड़े हो गए थे असुरों के संहार के लिए। प्रहलाद बालक ही थे, जब उनको ये मालूम पड़ा था कि अन्याय करने वाला और कोई नहीं, मेरा खुद का पिता है जो खुद को भगवान कहता है, विरोध किया कोई विरोध नहीं, केवल भक्ति की धारा बहा दी। मीरा को तंग करने वाले उसके अपने ही लोग थे, वो मीरा घर घर अलग जगाती हुई बाहर चली गई बिना किसी प्रतिवाद के। बेटा बिना किसी प्रतिवाद के विरोधाभासों के बीच में से भी अपने रास्ते बनाए जा सकते हैं, सौहार्दपूर्ण रास्ते बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी बताया, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये सब गुण अपना के आप अपने रास्ते तय कर सकते हो। भगवान करे जिस रास्ते आप चलें वहाँ सफलता पे कदम चूमें, और ये भी देखें कि ये बालक जो कल परसों ऐसा लगता था ढीला पुला सा, आज सैनिक बना खड़ा है राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, अलग जगाने वाला।